आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर में एक बार फिर से मवेशी का जबड़ा विस्फोट से उड़ा दिया गया है। चारे में बारूद भरकर गोली फटी है। बड़ा सवाल, क्या बाघ के शिकार के लिए बारूद भरी गोली रखी गई थी? वन विभाग की टीम घटना की तफ्तीश में लगी है। तो देखिए एक और बड़ी और हैरान करने वाली घटना, रणथंभौर के अंदर की घटना है। बारूद भरी हुई गोली को चारे के अंदर रखा गया। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, लगातार इस तरीके की घटनाएं होना, कभी कॉलर के अंदर शिकंजा मिलना और अब ऐसी घटना का होना, ये बताता है कि वन विभाग अभी भी जानवरों की सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं, सीरियस नहीं। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, कितनी बड़ी विडंबना है। कल ही जो वन विभाग की जो हॉफ है, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स श्रुति शर्मा, उन्होंने एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है जी, कि जितने भी टाइगर पार्क है, जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी संरक्षित जो वन है और वन क्षेत्र है, उसके अंदर शिकारियों की धरपकड़ की जाए। और आज ही सुबह 11:31 पर ये जो उड़ाना गांव के पास ये जो घटना हुई है, इसमें इस मवेशी का जबड़ा एक बारूद के गोले से उड़ जाता है और इसके पीछे सिर्फ वही लोग हैं जो शिकार की मंशा से वहां पर हैं। वो आटे के गोले के अंदर बारूद भर देते हैं और जैसे ही कोई मवेशी या बाघ या कोई भी अन्य जानवर जो भी वहां से गुजरता है, अगर उसको उस पर अपना वो मुंह रखेगा या मुंह में खाने की कोशिश करेगा तो उसका जबड़ा फट जाता है। 3-4 दिन पहले ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है जी। तो उसके बावजूद वन विभाग की पूरी टीम सोई हुई है, पूरा जो सर्विलांस सिस्टम है वो एकदम ठप पड़ा हुआ है। वहां जितने भी अधिकारी लगा रखे हैं, चाहे फील्ड डायरेक्टर से लेकर असिस्टेंट फील्ड डायरेक्टर, तमाम रेंजर या उससे नीचे के वन रक्षक, सब इसके पीछे जिम्मेदार है। क्यों नहीं वहां मॉनिटरिंग? आपको सर्विलांस सिस्टम, आपके तो कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं। बड़ी बात है कि वहां पर प्राइवेट फर्म उनके भी कैमरा ट्रैप लगवा रखे हैं, जिनको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से बाघ का जो शिकंजा मिला है उसमें, वो सरकारी कैमरा ट्रैप के अंदर नहीं आया, जो बाघ के गले में फंदा नजर आया था वो भी एक प्राइवेट कैमरा ट्रैप में आया। तो क्या प्राइवेट लोगों का जो दखल अंदर बढ़ता जा रहा है, क्या यही कारण तो नहीं है इस तरह की घटना? ये तो ठीक है, एक बकरी या एक भेड़ था, अगर इसकी जगह बाघ होता तो बाघ के साथ भी ये स्थिति हो सकती थी। वो निश्चित तौर पर काम क्यों ना किया जाए, वन विभाग की तरफ से क्या दिया जाए कि अब रेड अलर्ट कर्मचारियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए घोषित कर दीजिए कि आप अपनी जिंदगी की सुरक्षा खुद करें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप विजेंद्र, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हालात यही है कि ऐसा लगने लगा है कि रणथंभौर जो, जिसके अंदर 70 से ज्यादा बाघ हैं, अब ऐसा लगता है उनको खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम जो दावे करता है आरटीआई प्रशासन, जो रणथंभौर प्रशासन है, उसके बावजूद वहां लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। जहर देने की घटना पहले हो चुकी है, अब ये बारूद का जो गोला है, ये इस तरह की घटना हो गई है। फंदा, बाघ के गले में फंदा लगाने की घटना हो गई, अब क्या बचा है? अब तो शिकारी जाएगा सीधे से वहां, राइफल से बंदूक ठोकेगा ठाए और एक बाघ मर जाएगा, इससे ज्यादा और क्या आप छूट दोगे? तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें सामने आ रही है, ये भी बड़ी चीज नहीं कि ऐसी भी तस्वीरें सामने आ जाए कि कोई शिकार करता भी दिखाई दे जाए। निश्चित तौर पर इससे पहले हो चुका है, पहले कैमरा ट्रैप के अंदर शिकारी, भी कुछ दिन पहले की घटना है। रणथंभौर के अंदर जब कैमरा ट्रैप के अंदर शिकारी आया, उसके बाद पूरी टीम आ गई, उसको गिरफ्तार भी किया। कुल मिलाकर लगातार जो नेग्लिजेंसी बरती जा रही है, लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो बहुत शर्मनाक है। अब तो देखना यह है कि एनपीसीए या उसके अलावा जो भी वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, क्या वो इस तरह का सरकार को कोई पत्र लिखेंगी या क्या वो आरटीआर प्रशासन के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगी, यही देखना बच गया। क्योंकि शिकारियों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, वहां पर जो अंदर गांव बसे हैं वो ग्रामीणों के साथ कोई समझाइश का काम नहीं हो रहा। ग्रामीण भी कई बार जो सुअर या और जो जंगली सुअर जो इस तरह के जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए भी इस तरह की गोली रख देते हैं आटे में। निर्मल, हाल ही में बाकी देशों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहां बाज का शिकार करने की सरकार खुद गवर्नमेंट परमिशन देती थी और उसके बदले में पैसा लेती थी। यहां सरकार तो पैसा नहीं ले रही होगी, लेकिन शिकार हो जाए, शिकारी शिकार कर ले, इसके लिए किसी के जेब में तो पैसा जा रहा होगा, तभी ये सब हो रहा है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए पहले हम इतना बड़ी हम एक सबक हमको मिल चुका था कि जो पूरा सरिस्का था बाघ विहीन हो गया था, बड़ी मुश्किल से वहां पर बाघों का पुनर्वास किया गया है। अब इसी राह पर रणथंभौर चल पड़ा है। पिछले एक दशक से लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं कि पिछले एक दशक से 30 बाघ लापता है। क्या उनका शिकार हो गया? कौन जवाब देगा? क्या उनको मार दिया गया? कौन जवाब देगा? क्या वो उनको कोई यहाँ से उठा ले गया? क्या उनको यहाँ से कोई दूसरी जगह ले गया? किसी तरह की कोई जानकारी वन विभाग देने को तैयार नहीं, और जैसे इस तरह की खबर चलती है वन विभाग एक मौनी बाबा बन जाता है। और बड़ी बात विजेंद्र जी, बिल्कुल निर्मल, उनके लिए तो कहा जा सकता है कि अता नहीं, पता नहीं और लापता नहीं, ये भी नहीं मानते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्मल।